जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप एक नया विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो विंडोज़ 10 हो या फिर विंडोज़ 11, तो फिर आपके लिए कुछ एसेंशियल सॉफ्टवेयर है जो कि आपको इंस्टॉल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये लैपटॉप और पीसी दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ही गाइस, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू आवर क्रेजी टेक स्पेस। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप है, इस पर आपको कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, बल्कि जो आपका विंडोज सॉफ्टवेयर है उसे ही अपडेट करना होता है। और इसके लिए आपको अपने पीसी या फिर लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। इसके बाद सेटिंग के ऑप्शन में जाके विंडोज़ अपडेट वाले ऑप्शन में जाना है, फिर वहाँ से आप अपने विंडोज़ को अपडेट कर सकते हैं। अब सेकेंड सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस। तो मैं आपको कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप एक पेड टोटल सिक्योरिटी वाला एंटीवायरस बाय कर सकते हैं, जो कि आपको विंडोज डिफेंडर से थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्शन दे देता है, लेकिन ये चीज शायद आपको विंडोज 11 के केस में ना करना पड़े। अब थर्ड एसेंशियल सॉफ्टवेयर है ड्राइवर्स। कई बार विंडोज 10 इंस्टॉल करने वक्त ड्राइवर्स इंस्टॉल तो हो जाता है पर अपडेटेड नहीं होता है, तो इसके लिए आप अपने लैपटॉप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एचपी का लैपटॉप है, तो मैं एचपी के वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां पे फिर अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर डालना है, और फिर आप ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ड्राइवर्स की बात कर ही रहे हैं, तो फोर्थ एसेंशियल सॉफ्टवेयर है जीपीयू ड्राइवर्स, और इसे इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि आपको जीपीयू का 100% आउटपुट मिलेगा। और इसके लिए आपको अपने जीपीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर GTX 1650 जीपीयू है, तो मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां पे जीपीयू का मॉडल नंबर इनपुट करना है। इसके बाद आप वहां से अपने जीपीयू ड्राइवर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब हमारे इस लिस्ट का लास्ट एसेंशियल सॉफ्टवेयर है DirectX। अब कई बार कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद या फिर गेम इंस्टॉल करने के बाद उसमें DLL फाइल मिसिंग होता है, और ये चीज़ आपको DirectX ही प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इस सॉफ्टवेयर को तो इंस्टॉल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे इस वीडियो पर, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। और आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आप इस वीडियो के सेकंड और थर्ड पार्ट में इंटरेस्टेड होंगे। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और नए नए लैपटॉप के रिकमेंडेशन लेके आते रहता हूँ।